क्या हुआ कमला भाई को झूमर चकमा लेके चली गई, इतने दिन से बंद थी ना बेटी। झूमर को लेके आता है डंडो दो। चलो चलो, ओह देखो बीच में से तोड़ तोड़ के भाग कि घर तो नहीं जाऊंगी मैं। राम राम साहब, तो स्वागत है आप सभी का बावड़े छोरों की व्लॉगिंग वीडियोस में। तो जैसे कि आपको मेरे में से आज एक ही दिख रहा होगा, दोनों में से एक ही दिख रहा होगा। कारण है इसका कि वो बीमार हो गया है, मम्मी भी बीमार है। क्या है, झालर के जाने के बाद मन किसी का नहीं लग रहा, तो सबकी तबीयत वबीयत खराब हो गई है। तो अब एक गाय की कमी हमें महसूस हो रही है, तो हम सोच रहे हैं गाय लेने जाएँ। तो आज जाएंगे, आपको दिखाते हैं। पहले मैं ये दिखाता हूँ, देखो वो भी बीमार है, वो भी सो रहा है, और मम्मी की भी तबीयत खराब हो रही है। झालर के जाने के बाद ये बड़ा अभी सुरभि का हो रखा है, सुरभि इसमें आराम से रहती है, और डमरू और उनको हम उस बड़े वाले प्लॉट में छोड़ते हैं। हाँ सुरभि, हाँ सुरभि को इसलिए यहाँ रखते हैं ताकि गोपू है, गोपू को दूध पिलाती रहती है। और हमारा गोपू तो बदमाश है ही, आपको बताइए, देखो दिखाते हैं। गोपू, ए गोपू, ये हेटला खूब है, इसको लाड खूब आता है। तो चलो आपको बाकी सब दिखाते हैं। तो ये देखो सुबह से ये भी सो रहा है। आज हमारी चालू को गए, दो चार दिन पूरे हो गए, तो मन तो किसी का लग नहीं रहा, इसका भी नहीं लग रहा। तो क्या हुआ तेरे को? वो ज्यादा रो गया ना, तो क्या गला दुखने लग गया, गले में टॉन्सिल हो गया, इन्फेक्शन हो गया। टॉन्सिल तो होता है, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया, तो अब बोला भी नहीं जा रहा है, गला दुख रहा है, बुखार भी आ गया। मम्मी को भी आ गया, मम्मी सबको, मतलब वो झालर की याद आ रही। देखो मम्मी भी बताता हूँ आपको, मेरी तो तबीयत खराब है ही, और मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई। देखो मम्मी भी तबीयत खराब है। तो हमारे झालू क्या सबकी खास थी, सबकी खास थी भाई, सबकी। तो चल तेरे को एक नई बढ़िया अच्छी न्यूज सुनाते हैं। अभिषेक ने गाय की वीडियो भेजी है, और अच्छी गाय है, उनको लेने चल रहे हैं। बिलाड़ा झालर दिखती है, मम्मी को झालर दिखती है, वो झालर ही लेने जा रहा हम। झालर ही बिलाड़ा, हाँ बिलाड़ा, चलो देख के आते हैं, वीडियो लेके आते हैं। चलो बिना खाली खाली लग रहा है बाड़ा। हाँ तो अभी गाय की जरूरी है, जरूरत भी है, और फिर 10-5 दिन में हमारी झूमर भी आ जाएगी। ठीक है चलो। तो गाय लेने जाने से पहले हम एक बार झूमर और डमरू को देख के आ रहे हैं, क्योंकि उनको अब एक प्लॉट में रखने लगे, तो उनको भी सुहाता है कि नहीं सुहाता। वैसे सुहाने लग गया है, सुहाने लग गया, उनको बता के आ रहे हैं भाई तुम्हारे, तुम भी उदास हो तो तुम्हारे भी एक नई सहेली। दूसरा क्या है, झूमर को बार बार देखना पड़ता है हर एक घंटे में, क्योंकि अभी कुछ आने वाली है, कुछ ही दिन में जाने वाली है, तो कोई भरोसा नहीं होता है गाय का कि कब ब्याज है। इसलिए तो चलो देख के आते हैं, वो मेरे हिसाब से 6 में बैठे होंगे, वीडियो भी बना लेते हैं अपने सनातन धर्म वाली। चलो आवाज लगा उनको, और देखो छाया में खड़ी, मैंने कहा ना छाया में खड़ी होगी। ओ देखो वो, आओ आओ आओ, वो तो तू अंदर जाएगा तब आएगी। आओ ये बेटा, आज अभी से क्या देख, इसको साफ नहीं करके गया, इसके एक दिन साथ में नहीं आओ ना, तो ये सारे कामों की ऐसी तैसी करता है। तू कर दे भाई, आओ झूमर, आओ आओ, जोर आ रहा है, देखो छाया में खड़ी है, इसको जोर आ रहा है। अब आई 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 आ गई, आ गई, साफ नहीं करके गया अभी से क्या आई झूमर तो आई, डमरू भी आ रहा पीछे। आजा आजा झूमर, आजा आओ आओ आओ। टाइम झूमर को सिर्फ लाड पसंद होता है, इसको नहीं, सब कोई। तू तेरा भरोसा नहीं साले, तू बोल के क्या खाना है तू? चारा, ओहो इस ड्रम में चारा रख दिया क्या? मैं चारा रख दिया। इस टाइम लाड पसंद होता है, जैसे गाय को, सबको होता है, तो इसको खूब लाड करना पड़ता है। झूमरी को, झूमरी थारे नई सहेली लाऊं कहीं? आज जा रहे हैं गाय लेने, दूची नहीं गाय लेने जा रहे हैं, तेरे नई सहेली लाऊ है? देख कहा मेरे को लाड करो पहले, नहीं कहा नहीं लड़ी है, ये डमरी आया मेरे पास, मैं थोड़ा पीछे खिसकू। क्या लाऊ, झूमर के, झूमर के दोस्त लाऊ क्या, फ्रेंड लाऊ? नहीं फ्रेंड लेके, हां झूमर के लाओ भी है, झूमर बोर नहीं होगी। पापू कितने दिन में आएगा तेरे? इसके पापू आएगा, पापी, पापू पापी जो भी आएगा। देखो पालना देखें इसका, इसके अब मेरे हिसाब से 10-15 दिन बाकी, मेरे हिसाब से 5-7 दिन। चलो देखते हैं, 7 दिन हद है, देखते हैं। पापू कब आएगा तेरे, जल्दी बोल, छोटा बेबी कब आएगा? छोटा बेबी आया ना, छोटी टोकरी आई, तो उसका नाम झालर रखे। हाँ है ना, झूमर की खास फ्रेंड थी, झूमर की खास फ्रेंड थी, भाईली थी इसकी, बेस्ट फ्रेंड, इसको लेके जाती थी, और ये भी जाती नहीं थी उसके बिना, है ना झूमर। तो भैया झूमर और डमरू क्या हुआ है, साथ में सारा खाने लग गए हैं, यहाँ सेट होने लग गए, देखो बारी बारी से खा रहे हैं, कभी झूमर खा रही है, उधर से दिखाता हूँ, डमरू खा रहा है, देखो उधर से दिखाता हूँ, यहाँ सेट होने लग गए हैं, राजी है, यहाँ राजी है अब, मगर ये जगह हमको खाली करनी पड़ेगी। हाँ 6 महीने के अंदर, उससे पहले कर लेंगे, मगर हमको अच्छी जगह मिल जाती है, तो हम तो 15-20 दिन में कर लेंगे इनको, बढ़िया ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ
बिल्कुल नेचर के पास में हो ये, और आप लोग भी आ सको, आप लोग भी आ सको इनसे मिलने। तो चलें आप गाय लेने, चलो अभिषेक को फोन करो, करता हूँ अभिषेक। आया नहीं अभी, आया नहीं अभी तक, छोटा। तो भैया रात हो गई, क्या हुआ, गाय मिली कि नहीं मिली? गाय देखने गए नहीं, क्योंकि वो गाय हमारे यहाँ से रवाना होने से पहले ही कोई ले गया, बिक गई मतलब। तो जैसे कहा जाता है हमेशा, सब कहते हैं कि गाय को आप नहीं चुनते हो, गाय आपको चुनती है। तो हो सकता है वो गाय हमारे घर के लिए नहीं हो और किसी और घर के लिए, और हमारे घर के लिए कोई और गाय हो। तो हमारी तो अभी देखो झूमर है, तो उसके लिए तिल्ली का तेल लेके आना है। अभिषेक का मैसेज आया है कि भाई भैया गया ब्याहने वाली है, तो आप तिल्ली का तेल लेके आओ। तो तिल्ली का तेल लाते हैं। गायों को बाहर छोड़ने से अब इतना डर लगने लगा है कि देखो सुरभि को भी अब हम बाहर नहीं छोड़ते। सुरभि और गोपू यहीं रहते हैं, एनी टाइम दिखाता हूँ। देखो सुरभि, ये रहा गोपू। सुरभि के लिए झालर चारे की पूरी व्यवस्था करके गई कि भाई तू रहे यहाँ पे। कहा आओ गोपू, आओ आओ आओ, ये बहुत हिजला हुआ है। आजा 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 गोपू, कहाँ है तू? हिजला और बदमाश भी खूब हुआ है ये। आओ गोपू बदमाश। चलो तो अपन तो चलते दिल्ली का तेल लेने अपने इस वाहन पे। तो ये दिल्ली का तेल आ चुका है, और अब जब झूमर आएगी उधर से अपने, तब उसको दिया जाएगा और बताएंगे उसको आटे में क्या क्या देते हैं। जब गाय दूध देना बंद कर दे और आपकी दूध वाली गाय नहीं रहे, तो अभिषेक से दूध लेना पड़ता है। ये देखो अभी पता नहीं किस किस का दूध लेके आता है। हाँ अभी शेख रही लाई रमन नहीं लगे नहीं। तो अभी ये झूमर को लेके आएगा, फिर हम आपको बताते हैं कि अभी जैसे झूमर क्या बना, दो चार दिन में ब्याने वाली है, तो उसको हम क्या क्या खिलाएंगे, क्या क्या डाल के खिलाएंगे। पहले इसको बाहर का, हाँ ऐसे ही हमारा सपना था झालर के लिए, झालर के लिए मेरा पूरे घर की आज थी झालर झालर। अब की बार तो 10 किलो दूध देती। दूध दूध का करे क्या, वीडियो चल रही है एक नंबर पे, उसकी बछड़ी आती है, हम ये सोच रहे थे उसमें वसुध आएगी वो आएगी। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, सेकंड भी नहीं होता। ये इधर इधर ये कहाँ गए, वो इधर घूम रहे, वो जिनके इलाज करे थे वो तो अभी तक जीवित है, जो मरने जैसे थे। खैर वो उनका भगवान सोमवरस फुगा। और देखो इसको बचना था, ये बच गई गोपू, तो गोपलिया बच गया, सब बच गए, बस झालर ही नहीं बची। इतनी लिखी थी हमारी झालर की, क्या कर सकते। ये देखो इसको मौका मिलता है जब बाहर भाग जाओ, चल अंदर चल, अभी हमारे खेलने का किसी का मूड नहीं है। चल जोर आ गया भाग, तैयार हो गया जो बेटे, जोर आ गया। इसको सारी दुनिया की मस्ती देने, खेल इसके खेलने का भी टाइम है, बस हम लोगों का मूड उदास है, बाकी तो खिलाते इसको। तो ये देखो ये है झूमर की खल, झूमर के लिए खल डाल रहे। 12 मास मिलती है हमारी गाय को खल, चाहे दूध दे या नहीं दे। अब इसके बाद ये डालेगा कैल्शियम, जैसे क्या हड्डियां वगैरह मजबूत हो, और डिलीवरी में डिलीवरी में तकलीफ नहीं, तो इसलिए कैल्शियम भी देना, शरीर मजबूत रहे इसलिए कैल्शियम देना चाहिए। और दे दो, तो ये डाल दिया कैल्शियम, और अब क्या डालोगे? अब डाला जाएगा इसमें विटामिन एच, विटामिन एच, वाइटम एच। इससे तबीयत वो, इससे शरीर एकदम यू मतलब जैसा झालर का था ना, जैसे झालर का था वैसा रहता है। और इसके बाद क्या डालेगा अभिषेक? इसके बाद डालेगा तिल्ली का तेल। तिल्ली का तेल ब्याने से पहले हर गाय को देना चाहिए। कितना देना चाहिए अभिषेक? ये डाल रहा है अब तिल्ली का तेल डाल रहा है। तिल्ली का तेल कितना डालना चाहिए भाई, देना चाहिए गाय को? 150-150 ग्राम से, 150-150 ग्राम से कितना? ML लिया करे, ये तो देना चाहिए। किलो में वेट होता है तेल, कौन क्यों कमेंट करके बताओ भाई, किलो में कौन क्यों, किस में लीटर में होती है, ML में होता है। हाँ। किलो में वे, किलो में नहीं वे, किलो में तो लोगों नहीं पाऊं। अरे किससे बहस करो, छोड़ो। अरे अभिषेक बना किलो में। तो ये तैयार हो गया उसका वाटा, ये सब देना चाहिए। और अभिषेक बना से कभी बातों में लड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो भी वो जिदलो है। अच्छा देखो तो झूमर को वहां से वो छोड़ चुका है। अब समस्या ये है कि डमरू साथ में ऐसा आता है झूमर का माटा खा जाए, मगर जो तेल वेल देना है वो सिर्फ झूमर को देना है, डमरू को अभी सिर्फ खड़ और वो चीज देना। देखो पहले सबसे पहले भाग के आएगा, उसको पता है बेटे को, देखो माटा पड़ा, देखो सबसे पहले आगे तो उसको पता है कि अभी ये गेट बंद कर देंगे, वो 5 मिनट बाद ऊपर रखेंगे, सबसे आगे भागता आ रहा हूँ देखना। झूमर आगे मत, अरे झूमर ना आगे भगा, वो देखो चोर, देखो डमरिया पहले भागता है, देखे 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 देखे, रुक मैं डंडा लाऊं, गेट बंद कर दो, देखो देखो। अबे तू भी क्या फिर डिलीवरी करेगा, देखो झूमर को आने नहीं देता बेटा, गेट बंद कर दो।
ओ नो टंग 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 ले डमरू ले डमरू ले ले डमरू ले गाल गाल जल्दी गाल डमरू ले डमरू ले। तो ये डमरू को बाहर काट दिया वाया लारे ये झगड़ा हो गया डमरू के साथ। तो अब थोड़ी देर झूमर फटाफट वाटा खा ले वो, फिर उसके बाद इसको छोड़ेंगे, क्योंकि वो क्या है कि वो ज्ञापन गायों के लिए है, इसको कैल्शियम की जरूरत है नहीं, इसके पर्याप्त है, इसको विटामिन एस की जरूरत है नहीं, ये एकदम तंदुरुस्त नहीं तो ये भी दूध दे देगा। तिल्ली के तेल की इसको जरूरत नहीं है, नहीं तो वो आप पार्टी वाले बैल का दूध। देखो कस कस कर लो, देखो तो देखो तो कहाँ जाना है, वहां से रास्ता है क्या, आज तक कभी घुसा क्या वहां से, क्या हमेशा का इसका, अब ये नागिन डांस करेगा, कर कर आजा शुरू करता है, शुरू करता है गुस्सा गुस्सा आ रहा है इसको। ये देखो कैसे इसके चारों तरफ घूम रहा है, जैसे वहां से कहीं से रास्ता मिल जाएगा इसको, उसके लिए योग साधना करनी पड़ती है, गायब हो गया वहां जाने के लिए। ऐसे नहीं मिलेगा वो कि कहीं से चला जाओ रास्ता मिल जाए। आज इसका मिशन है डमरू का, एस्केप द बाड़ा, नहीं वाह वापिस आया, इनसाइड द बाड़ा, तू कहाँ से जाएगा, कहीं रास्ता नहीं है, वो तेरे खाले वाले गुरु कैसे टोपी पहनाओ, मिशन डमरू शुरू करे। एक मिनट और रुक जा, डमरू फिर खा देता तेरे को, वहां नहीं जाने दिया तो बेटा अंदर घुसने की सोच रहा है, मगर इसको आवाज से धाकल पता, देख देख देखना अभी अंदर जाएगा, अंदर जाने एक आध कदम तो बढ़ेगा, क्या डमरू नहीं समझ जाता है, ले चल अब जा अंदर जा, जाओ तेरे लिए कुछ बच्चा कुछ होगा वो झूमर दे देगी, बाकी तो तेरे नसीब में नहीं है, थोड़ा बहुत है चाट ले जा। डमरू के साथ हो गई चोट। तो आज तो गाय देख के आए नहीं है हम, आज गाय नहीं देख, क्योंकि वो गाय बिक गई थी, गाय बिक गई, क्या हुआ कमला भाई को झूमर चकमा लेके चली गई, इतने दिन से बंद थी ना बेटी, डमरू उठे जानी चल, तो झूमर को लेके आता है डंडा दो बेटी, चकमा देके चली गई, इतने उससे रह नहीं आ रही एक जगह, झूमर ऐ झूमर पकड़ो इसको पकड़ो, कहाँ फटाफट भागी, ये तो लंबी भागी, ये दूसरी गाय आ गई, कहाँ गई झूमर, अरे वाह बुरी गाय कट गई, वाहनी मराली गा वाह, ए इधर आ झूमर, आओ झूमरी बदमाश, इसको बेटे को मौका मिला इतने दिन बाद, भागो इसको, चार दिन से बंद थी ना, घूमने का मिलता था उन्होंने बंद कर दिया, तेरी ही व्यवस्था के लिए किया था बंद, चल तुम इधर उधर घूमती, आओ बाहर क्यों गई, ये जैसे तू उधर जा आगे, हाँ इधर जा ले, पहले तू ले इसको, ले ले जुमरा ले, मार भगाऊं, आओ तुम रुक रुक भगाऊं मैं, चल चल इसके आगे रहना हो, और आगे भी तेरे गाय आएगी, नहीं घुसेगी इधर, चल चल चलो चलो, ओहो देखो बीच में से तोड़ तोड़ के भाग रही कि घर तो नहीं जाऊंगी मैं, मगर बेटा आप तेरे को खुला नहीं छोड़ेंगे, किधर जाएगी तू, हैं किधर जाएगी तू, घर चल, भग गई बेटी इतनी मुश्किल से के भागने को मिला था, तुम दोनों आगे फिर, ये देखो उधर जा रही, हाँ डाल दे जा इसको, क्या या तो उधर डालो या उधर, चल नहीं इसको तो उधर ही जाना है, इसका सेट है इधर उधर, दूसरे बाड़े में डाला को, हाँ दो बाड़े दूसरे को, क्या तीन तीन में कंफ्यूजन होता है ना झूमर, चल चल चल, देखो देखो कैसे भग रही है उसके पीछे, देखो 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 देखो, चोर भागी थी बेटी, भागी थी वो, होता ना इसको ऐसे लगने लग गया मेरे को, कभी तो थोड़ा तो खोलो, अभी नहीं खोलेंगे, अभी अपन है ना कुछ दिनों में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर तुम वहाँ घूमना, फिर तेरे को घना ही खोलेंगे, खूब सारी बड़ी सारी जगह में, ओके
तो भैया झूमर को तो हम लेके आ गए है, वो भी जो चर रही चारा। हाँ, और चकमे बाज गाय हमारी ये एक नंबर की चकमे बाज है। और देखो जैसे जो गाय हम लेने जा रहे थे ना जो बिक गई पहले, वो आपको दिखाता हूँ, रुको ऐसे तो दिखेगी नहीं, दिख रही है देखो। हाँ ये दी वो गाय, ये गाय हम लेने जा रहे थे तो गाय भी बहुत बढ़िया, देखो थन वन जोरदार है इसके सब। तो ये क्या है, पहले ही बिक गई? वो होता है ना गाय हमेशा किस्मत से मिलती है, आपका भाग्य अगर प्रबल होगा और उस गाय का भाग्य भी आपके लिए प्रबल होगा तो ही वो गाय आपके घर आती है। झालर हमको मिली थी बहुत किस्मत से।